आगे बढ़ते हैं। पिंक सिटी में नया साल मनाने के लिए देश विदेश से पावणों का आगमन शुरू हो चुका है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए शहर की सभी होटल्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउस ने खास इंतजाम कर लिए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नए साल में अब केवल दो ही दिन रह गए हैं, जिसके चलते शहर की लगभग होटल्स में इन दिनों नो रूम स्थिति हो गई है। इस बार नए साल में पावणों के लिए सभी होटल्स में राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए होटल संचालकों ने विशेष तौर पर राजस्थानी घूमर, काल बेलिया नृत्य, कठपुतली शो के साथ ही राजस्थानी व्यंजनों का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। शहर की सभी होटल्स अपने अपने स्तर पर नए साल के जश्न के लिए खास इंतजाम कर रही है। इस बार जो आने वाले हमारा जो डिसाइडेड है वो मैक्सिकन थीम के ऊपर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो यूज करेंगे उसी पैटर्न पे बुफे यूज करेंगे, उसी पैटर्न पे हम लोग खाना यूज करेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजीन लाइक मैक्सिकन क्यूजीन, वी विल यूज़ द मैक्सिकन क्यूजीन, वी विल यूज़ द कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू, इंडियन, राजस्थानी, अवधी, हैदराबादी, सो इस तरीके एटसेट्रा विल यूज दैट टाइप ऑफ द बुफे। न्यू ईयर की पार्टी को खास बनाने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइजर पिछले 15 दिनों से इसमें जुटे हुए हैं। साथ ही पार्टीज को नई नई थीम भी दी जा रही है। इस बार मैक्सिकन थीम, हैलोवीन थीम रखी गई है। वहीं पावणों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस से लेकर डेजर्ट तक की व्यवस्था है, जिसमें अनलिमिटेड कॉकटेल और मॉकटेल ड्रिंक्स भी रखी गई है। इस बार सुरक्षा को देखते हुए स्टैग एंट्री ना होते हुए केवल कपल और फैमिली एंट्रीज है, जिसकी शुरुआत 2000 से लेकर 15000 तक है। इट विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन एयर फेस्टिवल जो कि पहली बार जयपुर में होगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट बेसिकली बनाया गया है वो टुमारो लैंड को देखते हुए बनाया गया है, जो कि बेल्जियम में हर साल होता है। तो हम लोग जयपुर का एक पार्टी का ट्रेंड चेंज करना चाह रहे हैं, तभी उसका नाम हम लोगों ने दिया जयपुर यूथ फेस्टिवल। नए साल में नए कलर्स और नई उमंग भरने के लिए जयपुर वासियों के लिए सैलानी भी तैयार हो चुके हैं। सभी होटल्स में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से महिमा मंत्री की रिपोर्ट।